गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हर सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे दिन की एनर्जी देता है। उसी तरह हर सुबह एक सिंपल पॉजिटिव थॉट से अपने दिन की शुरुआत करना, पूरे दिन आपकी मेंटल हेल्थ अच्छे मूड में, अच्छे जोन में रहेगी। दिस इज लाइक सोल फूड, सोल ब्रेकफास्ट। सो देखते हैं आज के ब्रेकफास्ट में क्या है। पता है, एक बहुत गरीब इंसान थे जिनके पास ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो गरीब है ना। और एक बहुत अमीर इंसान थे जिनके पास भर भर के ऑक्सीजन आ रहा था, इतना कि वो वेस्ट हो रहा था। अब आप कहेंगे, इमा ये क्या बचकाना मजाक है, मजाक तो हम कर रहे हैं अपने साथ। हम ये सोचते हैं कि अरे मेरी विश तो बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, मेरी विश अजीब सी है, मेरे साथ यूनिवर्स क्यों विश पूरी करेंगे, मैं थोड़ी ना स्पेशल हूँ, मेरे अंदर ये पावर है या नहीं है। ये कितने ही सारे थॉट्स हमारे मन में आते हैं, थॉट्स नहीं डाउट्स। और यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह है, ये सभी के लिए सेम है। जिसकी भी नाक खुली है उसके अंदर ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली जाना ही है, नोबडी कैन स्टॉप इट। उसी तरीके से हमारे मन से हर पल हर क्षण सांसों की तरह जो कुछ भी निकल रहा है ना, फीलिंग्स, वो हर फीलिंग हमारे पास वापस आ रही है। एंड इसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। जैसे कि मेरे मन से कभी कभी ये फीलिंग निकलती है कि यार लोग इतने नेगेटिव क्यों होते हैं, और तभी मुझे और ज़्यादा नेगेटिव लोग मिल जाते हैं। और जब मैं किसी पॉजिटिव चीज़ के बारे में फोकस करती हूँ, पॉजिटिव लोगों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे और ज़्यादा पॉजिटिव लोग मिलने लगते हैं। तो दिस इज़ कम्प्लीटली हमारी सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारे साथ क्या होगा। और आज का मैसेज ये है कि हमारी सोच तो पावरफुल है ही, लेकिन हमारा हर एक शब्द एक वाइब्रेशन बनकर बाहर निकलता है। और जिस भी शब्दों का ज़्यादा उपयोग हम करते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बैड लक बैड लक बैड लक, किस्मत ही फूटी है, किस्मत ही, मैं बीमार हूँ बीमार, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं सैड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, ये चीज़ें जितनी ज़्यादा हम रिपीट करेंगे उतनी ज़्यादा वो वाइब्रेशंस दुगनी चौगनी होकर हमारे पास वापस आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन का काम ही है जाना तो वापस आना, यानी जो भी अंदर से निकलेगा उसे बाउंस बैक होना ही है। क्या कभी ऐसा होता है कि आपने दीवार पर एक बॉल फेंक कर मारी और वो बॉल दीवार के आर पार चली गई? नहीं। क्यों? क्योंकि बॉल का ये नेचर है कि जैसे हम उसे वॉल पे मारेंगे वो फोर्सफुली वापस हमारी ओर आएगी। हर सोच हर एक शब्द एक तरीके की बॉल है जिसे हम बाहर फेंक रहे हैं, वो ठपाक करके उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास आना ही है। इसलिए मजाक में भी या फिर लाइट मूड में भी खराब वर्ड्स अपने लिए अपने परिवार वालों के लिए इस्तेमाल मत करिए। कुछ लोग कहते हैं कि ओ मैं मर गया तो मरना, ये भी बहुत बार रिपीट होता रहता है। सो ये भी अच्छा नहीं है। शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा से ये सिखाते आए हैं कि शुभ शुभ बोलो। मराठी में कहावत है कि वास्तु नेहमी तथास्तु म्हणतअसत, यानी आपकी जो वास्तु है वो हर पल तथास्तु 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 ये कहती जा रही है, विच मीन कि जो कुछ भी आपने सोचा उसके ऊपर ब्लेसिंग मिल गई, यानी ये पूरा हो जाएगा। आप सोचिए, आप बैठकर ये बोल रहे हो कि मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, तथास्तु। मेरी जिंदगी कभी अच्छी नहीं बनेगी, तथास्तु। मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, तथास्तु। सोचिए हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, है ना। इसीलिए अपनी सोच को, अपनी वर्ड्स को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। और हमारे आसपास के लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते, उन्हें प्लीज फोर्स मत करिए इसे फॉलो करने के लिए। आप अपना देखिए, क्योंकि आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इट राइट नाउ, लेकिन जितना हम अपने आप पे फोकस करते हैं ऑटोमेटिकली बाहर की सारी चीज़ें ठीक होने लग जाती है। ठीक है, तो पहले अपने आप को भर लेते हैं, अपने आप को सही कर लेते हैं, फिर दुनिया सुधारने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है हमारे पास, पर अभी हमारे पास सिर्फ अपने लिए वक्त है। ठीक है, तो प्रेयर
सबके लिए जरूर करिए प्रार्थना कि सबका भला ही हो, पर अगर आप किसी को सिखाने मनाने बैठोगे वो लोग मानेंगे नहीं आपकी बात, वो लोग नेगेटिव ही सोचते जाएंगे जैसे वो सालों से सोचते आए हैं, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। इसलिए पहले आप उसे एक्सपीरियंस कर लीजिए पॉजिटिविटी को, आपका देखकर वो लोग खुद ब खुद उस रास्ते पर चलने लगेंगे और आपके वाइब्रेशन से उनके मन ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे, उन्हें शांति मिलते जाएगी आपके उनके मन में। ठीक है, सो यही था आज का मैसेज। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप सभी के लिए एंड मैं प्रे करती हूँ कि आप सबका दिन बहुत ज़्यादा बेस्ट 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 डे हो आज। बाय।